ईंख की तस्वीर बनानी पड़ती है, इमली की तस्वीर बनानी पड़ेगी, है से हाथी, हाथी की तस्वीर बनानी पड़ेगी। यूं ही इंग्लिश में ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, ए बना करके सेब की तस्वीर बना दी। क्यों? क्योंकि बच्चा जानता ही नहीं सेब होता क्या है। आप नहीं जानते कि परमात्मा कैसा है क्योंकि आपने उनको देखा नहीं है, साक्षात्कार आपको अभी नहीं हुआ है। बच्चे ने अनार देखा ही नहीं, अनार क्या होता है, ई ईंख, ई इमली, आ आम देखा ही नहीं, तो एक तस्वीर देनी पड़ती है। उसी भांति जिसने प्रभु का साक्षात्कार नहीं किया है, यदि वो किसी ज्ञानी गुरु की शरण में जाए जिसने प्रभु के दर्शन किए, साक्षात्कार किया हो, उससे कथाएं सुनते हैं, उनके विचार सुनते हैं, भगवान की मूरत कैसी है बहुत से लोगों ने भजन के माध्यम से बता दिया, करो मन नंद नंदन को ध्यान। और फिर उसी में है घूंघर वाली अलके मुख पर, तो किसी को भगवान के दर्शन हुए होंगे और भगवान की जो वो अलक, मतलब जो ये जो बाल हैं, ये घूंघर वाले बाल किसी ने दिखाई दिए होंगे किसी को, तो उसने अपने भजन में कह दिया कि परमात्मा के तो मुख पर वो घूंघर वाले बाल बिखरे हुए थे। कहने का मतलब है बगैर माध्यम के, चाहे कोई कुश्ती का प्लेयर हो, चाहे क्रिकेट का प्लेयर हो, अच्छी एकेडमी में जाता है, अच्छे कोच के सानिध्य में प्रैक्टिस करता है, आप ये ढोलक बजा रहे हो, ये भी किसी गुरु की शरण में गए हैं, ढोलक सीखा है, वो कैसे बजा रहे हैं पियानो, उन्होंने भी किसी से वो सीखा है, अजीत जी पैड बजा रहे हैं, हम जो ये शब्द पढ़ रहे हैं ये किसी ने सिखाए हैं तभी पढ़ रहे हैं, कैमरामैन जी ये जो कर रहे हैं इन्होंने भी कहीं से सीखा है। हम इस संसार में आए हैं तो माध्यम की आवश्यकता हमें पड़ी है, चाहे वो माता पिता जो भी जैसे भी रहे हो। अब बात आती है गुरु सबके हैं, माता पिता सभी के हैं, और हर माता पिता चाहता है कि मेरी संतान की सदगति हो, मेरी संतान सुखी रहे, मेरी संतान में गरीबी ना आए। दुनिया का कोई माता पिता ये नहीं चाहता जन्म होते कि मेरा बच्चा मर जाए, दुखी हो ना। सब माता पिता चाहते हैं कि मेरी संतान को सुख मिले। माँ ही प्रथम गुरु है, पश्चात पिताजी हैं, तो सभी के गुरु हैं और फिर भी संतान या जीवात्माएं दुखी हैं, तो कमी कहाँ आती है कि जिस जो माध्यम हमने बनाया है उसका लेवल क्या है, उसका ज्ञान कहाँ तक है, वो आपको किस प्रकार से हैंडल करेगा। हर किसान खेत में बीज इस भाव से बोता है कि भाई बढ़िया पौधा निकले और खूब उसके दाने हों, और सेवा भी करता है। कई बार भूमि बीज खा जाती है, कई बार बीज में ही कमी होती है, कई बार खाद नकली, यूरिया नकली आता है, कई बार समय पर पानी नहीं दिया जाता। अंततः हर किसान को एक एकड़ में अलग अलग, अगल बगल में तो भी उपज अलग अलग प्राप्त होती है। कक्षा में अध्यापक एक है, 40 विद्यार्थी एक साथ बैठे हैं, नंबर सबके अलग अलग आते हैं, तो जो जितना ध्यान देता है, रणदू स्कूल में ही नहीं गया, रणदू बित्ती डंडा खेलने लग गया, क्रिकेट खेलने लग गया, मास्टर बोले कहाँ था, घर वाला कभी झूठ बोल दी तो रणदू तो फैलो होगा, रामफल हुक्का पीने लग गया तो रामफल का तो फिर 100 मत 32 आऊँगा 33 कैसे हैं, फलाना फलाना आई एस अफसर लग गया, भाई उसने क्लास अटेंड की है, गुरुजी की बात माननी है। उसी मेहंदीपुर बालाजी जा करके लोग सिर मार मार के आ गए, मैंने अपना संकट कटवा लिया क्योंकि मैंने ध्यान दिया, मैंने ईमानदारी से नियम निभाए, मैंने निभाए उसका फल भी मैंने। मंदोदरी कहने लगी कि हे नाथ, हे प्राणनाथ, आप राम जी से बैर मत कीजिए, द्रोह मत कीजिए, मेरी भक्ति, मेरी तपस्या, रावण ने कहा मैंने तपस्या करके ब्रह्मा जी से शक्तियाँ हासिल की, मेरी मर्जी मैं कहाँ इस्तेमाल करूँ, बिल्कुल तपस्या आपकी और शक्तियाँ भी आपकी और मिली भी आपको और प्रयोग भी आप ही करेंगे, परंतु धर्म के कार्य में लगाएं। हे नाथ, धर्म के कार्य में आप शक्ति लगाओगे, आपकी उन्नति होगी, प्रोग्रेस होगी, आपका कल्याण होगा, इस लोक में और परलोक में आपका यश मान और वैभव बढ़ेगा, देवता आपके आगे हाथ जोड़ के खड़े हैं। और हे प्राणनाथ, यदि उनका अन्याय और अधर्म के साथ आप जाकर के इस्तेमाल करेंगे तो फिर, और गुरु तो रावण का भी था, अर्जुन का भी गुरु था श्री कृष्ण जी,
कहने का भाव है, गुरु आपने किसको बनाया, गुरु का लेवल ज्ञान भक्ति शक्ति क्या है, और गुरु की बात को आपने किस हद तक माना है, किस लेवल तक आपने माना है। अपने इष्ट देव पर सदैव भरोसा करें, कल्याण आपके इष्ट देव जिनको आप मानते हों या जिन जो आपकी इष्ट देवी हैं, कल्याण उन्हीं ने करना है। मैं तो केवल रास्ता बताऊंगा। बैल बजती भाई चलो भंडारा शुरू हो गया, खाओ भाई। अब जो खाएगा ही नहीं तो भूखा ही मरेगा। अब जाना ही नहीं उधर, भोजन चल रहा है और कोई जाएगा ही नहीं तो पेट की भूख कहाँ से मिटेगी। बता दिया भाई भंडारा चल रहा, खाओ। तो मंत्र जप दे दिए गए हैं, मंत्रों का जप कीजिए। मैं तो समान रूप से कि प्रभु मैं साक्षी हूँ किस चीज़ का, कि मैंने दे दिया। अब जो इनका जप करेगा मेरी भक्ति उस जीव के काम आएगी। मंत्र जप करके आप क्या मांगना चाह रहे हो वो आपकी अपनी सोच है, अपनी इच्छा है, आप क्या चाह रहे हो। जो चाह रहे हो वो मिल नहीं रही तो चेक कर लीजिए, क्या पता आप गलत दिशा में चाह रहे हो। आप तो अन्याय और अधर्म वाली बात चाह रहे हो, क्या पता परमात्मा की नज़र में वो चीज़ अतार्किक हो, अधार्मिक हो, अन्याय हो, क्या पता। क्योंकि मन तो क्या पता क्या मांग लेगा, आपका मन बुद्धि विवेक क्या पता क्या मांग लेगा। यहाँ गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु जी कह देंगे ना ये डिमांड जायज़ नहीं है, ये मांग जायज़ नहीं है। और मैं तो पिछली बार मैंने बताया भी था आप लोगों को, हर प्रकार के जीव देखे हैं मैंने, परमात्मा की ऐसी ऐसी कृपा मैंने देखी है कि लोग पैर पकड़ के रोते हैं कि गुरु जी मर गया, कर्जा हो गया, यूँ हो गया, यूँ हो गया, यूँ हो गया। और बहुत जल्दी उन्होंने तपस्या की, उनकी तपस्या का फल भगवान ने उनको दिया है। मैंने कुछ नहीं किया, उन्होंने अपनी तपस्या की और उस तपस्या का फल परमात्मा ने उनको दिया है। भगवान देते हैं, ईश्वर देते हैं, ईश्वर देने के लिए ही बैठे हैं। आप मांगना क्या चाह रहे हो ये आप पर निर्भर है। भजन और भोजन, शरीर के लिए भजन और आत्मा के कल्याण के लिए, परमात्मा के धाम की प्राप्ति के लिए भजन अत्यंत आवश्यक है। भजन भी कई प्रकार का है, सेवा भी भजन है, जप भी भजन है, जो ये गा रहे हैं ये भी भजन है, बंद कमरे में शांति से चिंतन भी भजन है। भजन शब्द अत्यंत व्यापक है, भजन का मतलब केवल ढोलक पेटी नहीं, भजन का मतलब आत्मचिंतन को भी मैं भजन ही मान रहा हूँ। आत्मचिंतन, आप जब तक आप चिंतन नहीं करेंगे आपके विवेक की जागृति नहीं होगी, जब तक आप आत्मचिंतन नहीं करेंगे। जैसे ही आप आत्मचिंतन करते हैं तो आपके विवेक की जागृति शुरू हो जाती। विवेक क्या, क्या करना है और क्या नहीं करना, इसको विवेक बोलते हैं। ये करूँगा तो इसका परिणाम बुरा आ गया तो मुझे क्या करना चाहिए, विपरीत परिणाम आ गया तो क्या करना चाहिए, शुभ परिणाम आ गया तो क्या करना चाहिए, ये विवेक कहते हैं। और जो बगैर सोचे समझे कार्य करता है, विवेक का सहारा नहीं लेता, चिंतन नहीं करता, आज निकल कल नहीं परसों वो फंसेगा, वो लपेटे में आ जाएगा। माया लपेट लेती है, चाहे माया सभी के ऊपर है, मौसम की मार सभी के ऊपर है, चाहे वो संत हो, महात्मा हो, यति हो, जति हो। मच्छर लड़ेगा, मलेरिया का विषाणु उसके अंदर है, वो सभी को दिक्कत देगा, चाहे वो कोई भी हो। जहर जिसके शरीर में जाएगा, शरीर का स्वभाव है, चाहे भक्त हो, संत हो, महात्मा हो, चाहे राक्षस हो, चाहे देवता हो। फर्क इतना है, कोई सिद्धि लेकर के बैठा है, जड़ी बूटी दवाई लेकर के बैठा है, तब उस जहर की तोड़ निकाल लेगा। जैसे सर्प ने काट लिया, डॉक्टरी इलाज हो गया तो बच जाता है। कई बार सर्प काट लेता है, मूर्छा आ जाती है, किसी आदमी को मंत्र आते हैं उसको सुनाई भी नहीं दे रहा, वो अपने मंत्र के प्रभाव से उस बेहोश आदमी को होश में ले आता है, हालांकि उसको कुछ सुनाई नहीं दे रहा, परंतु चेतना है, आत्मा है, चेतना है अंदर, आत्मा है, वैसे मूर्छा आई है। जैसे डॉक्टर सुन कर देता है, ऑपरेशन करता है ना, हाथ हमारा है, हमसे लगा हुआ है, एक इंजेक्शन लगाएगा, हाथ का संबंध दिमाग से और दिल से कुछ समय के लिए काट देता है, हमें दर्द महसूस नहीं होगा, और वो अपनी शल्य चिकित्सा कर लेता है। तो हाथ होते हुए भी अलग कर देता है और सारी अपनी चीर फाड़ कर लेगा और हमें दर्द की अनुभूति नहीं होगी। तो इस बात से ये समझ में आया कि दर्द की अनुभूति मन से होती है, वो डॉक्टर मन से उस हिस्से को काट देता है, सुन करके, सुन। तो सुख और दुख, दर्द और खुशी मन से होती है, वो डॉक्टर सुन कर देता है, तो मन से उसका संबंध कट जाता है, कुछ भी कर देगा डॉक्टर। तो बात ये हुई कि जो भी हमें सुख की, दुख की अनुभूति हो रही है, दर्द की अनुभूति हो रही है, वो मन से हो रही है, मानसिक
मानसिक, तो भूत प्रेत भी आत्मा को नहीं पकड़ते, मानसिक पीड़ा देते, मन को पकड़ते हैं। ये नेगेटिव एनर्जी मन को पकड़ती, कोई भी चीज़ मन को पकड़ेगी, कोई चीज़ हमें अच्छी लगी तो हाँ मन को ही पकड़ती है। तो जो भी संसार में कुछ भी है वो सिर्फ मनो में है, मन के ऊपर प्रभाव डाल रहा है। और हमें मन से भी आगे जाना है, और मन से आगे जाने के लिए साधना, और साधना साधन के बगैर दिक्कत होगी। अब किसी के पास साधन है, दूर से है, अपनी गाड़ी लेके आ गया, साधन होते हुए भी जो साधना नहीं कर रहे वो निरे मूर्ख हैं, पशु समान उनका जीवन है, ऐसा महापुराण में लिखा हुआ है। विष्णु भगवान को गरुड़ जी कह रहे हैं, प्रभु इस संसार में साधन भी हैं और मनुष्य फिर भी साधना नहीं कर रहा, आपकी प्राप्ति नहीं करना चाह रहा, तो ऐसे मनुष्य को हम क्या कहेंगे? कान दे रखे हैं, कभी भजन सुने नहीं, अच्छी बातें सुने नहीं, तो वो तो सर्प के कान हैं, बिल की तरह हैं, कोई फायदा तो है नहीं, क्या लाभ ऐसे बताओ, कोई औचित्य नहीं है। जिव्या है, कभी आपने अच्छे शब्द बोले ही नहीं, तो सांप की तरह लपलपा रहे, बताओ ऐसी जीव का क्या लाभ? हंस रहा है बेटा, बता बेटा, जीव यूं सर्प की तरह लपलपाने का क्या फायदा, आप बताओ, लपलपाते रहो, सर्प निकालता ना बार बार, तो ऐसे यूं जीव निकालने का कोई फायदा? और बेवजह मत हंसया करो, कई बार तू हंसना पड़े, मतलब मैं देखा हूँ हंसी भी कोई नहीं आओ, डिपार्टमेंट में कई बार बैठते हैं ना, कोई बड़ा अफसर है, चुटकुला का घर हंसी भी कोई नहीं आओ, तो कहीं तू दांत पाड़ता रहूंगा, मैं क्यों पाड़ो हो, कोई बात है? बोले ना, फिर मैं चुप हो जाऊँ, क्यों पानी मारो हो? तो पानी मारने की जरूरत नहीं है, पानी चढ़ाओ शिवलिंग पर, पानी मत मारो, पानी मारना तो ओड़ी आओ ओड़ी पर पानी मारो है? नहीं है, हालांकि रजेश जी तो पानी मारते हैं, अजीत तो कहता मन तो कि मास्टर जी पानी मारते हैं, हाँ मेरा भी टाइम कट गया, यह है जिंदगी, यो है जीवन है, मानो तो कुछ स्वभाव में रहो, स्वभाव में, स्वभाव में रहो। स्वभाव क्या है मनुष्य का? जैसे जल का स्वभाव है शांत, कितना ही उफान दे दो, कितनी आग जला लो, कितना ही, कुछ समय के पश्चात जल अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाएगा अपना आप। चाहे फ्रिज में रख दो, बाहर आने के बाद जल पुनः अपने स्वभाव में आ जाता है, अपने आप ही शांत हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है जल, कितना ही उफान दे दो। तो आपका स्वभाव क्या है, आत्मा का स्वभाव क्या? शांत, शांत होना। तो बस शांत रहो, अपने ओरिजिनल स्वभाव में रहो, बनावट में कुछ नहीं रखे, बनावटपना ज़्यादा दिन चलता भी नहीं है, चलेगा भी नहीं, और ना हमें चलाना चाहिए।